म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईशान के फर्स्ट ईयर में 4 बार फेल होने की वजह से उसके पापा कमल ने उसको रिक्शा दिलवाकर बोला, नालायक कहीं के 4 साल बर्बाद किए हैं तूने कॉलेज में, पकड़िए रिक्शा की चाबी और रोज इसको चला और अपना गुजारा कर, क्योंकि इस घर से अब तुझे मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। पापा ऐसा मत करो, बस एक और साल दे दो, मैं पक्का पास होकर दिखाऊंगा। तू चुप रह, पहले ही बहुत साल दे दिए, कल से रिक्शा चला और रोज का हिसाब शाम को तू मुझे देगा। बेचारा ईशान अपनी इतनी हैंडसम सी शक्ल लेकर कल से सड़कों पर रिक्शा चलाएगा। इस टेंशन में बेचारे को रात को एक सपना आता है जिसमें वो रिक्शे के साथ खड़ा होकर बोलता है, आ जाओ बैठो बैठो, राजस्थान जयपुर पंजाब दिल्ली हरियाणा जहाँ जाना हो मेरे पास आ जाना। तभी एक हॉट सी लड़की ईशान के रिक्शे के पास आकर बोलती है, भैया पुराना किला चलोगे? क्या भैया नहीं। ईशान आधी रात को उठता है और खुद को अपने कमरे में पाकर बोलता है, शुक्र है सपना था, हे भगवान पापा के इस रिक्शे ने तो मुझे जगत भैया बना देना है, पर अब कोई चारा भी नहीं है, रिक्शे वाला तो बनना ही पड़ेगा। अगली सुबह ईशान नहा धोकर तैयार होकर बाहर नाश्ता करने चला जाता है, तभी उसके पिता उसको ऐसे हीरो की तरह बनठन के आता देखकर बोलते हैं, ओ राजा बाबू रिक्शा चलाने जा रहे हो तो इतना ज्यादा सजने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एक गमछा कंधे पर टांगो और निकलो। आपने रिक्शा दिया ना, अब उसको कैसे चलाना है वो मैं देख लूंगा। ईशान अपनी गली से रिक्शे को ऐसे खुले सांड की तरह दौड़ाता है मानो रिक्शा नहीं केटीएम बाइक मिली हो, और झट से चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एक कोयल नाम की लड़की पुरखा पहने हाथों में बैग लिए आंखों पर बड़ा सा चश्मा पहनकर ईशान के रिक्शे के पास आकर बोलती है, एक मिनट मैडम आप मुझे भैया बोले उससे पहले पढ़ लीजिए मेरे रिक्शे पर क्या लिखा है। कोयल रिक्शा की तरफ देखती है तो उस पर लिखा होता है कि हॉट और खूबसूरत लड़कियों का भैया बोलना मना है। ये देखकर वो कुछ बोलती इससे पहले ही ईशान बोलता है, वैसे आप बोल सकती हैं भैया ये मैंने हॉट और खूबसूरत लड़कियों के लिए लिखवाया है। बकवास हो गई हो तो एसएम कॉलेज चलो। कोयल जल्दी से रिक्शे में बैठती है और रिक्शे के चलने पर वो अंदर बैठी अपने चेहरे से बुरखा हटाती है तो आगे लगे शीशे में ईशान को उसकी शक्ल दिखती है और उसको देखकर वो बोलता है, यार मैंने तो इसको दाल समझा था पर ये तो बवाल निकली और इसकी शक्ल तो मेरे सपने वाली लड़की जैसी है, शुक्र है इसने भैया नहीं बोला। चलते रिक्शे में कोयल अपना बुरखा उतार देती है और अंदर उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, रिक्शे में बैठे बैठे मेकअप भी करती है। कुछ ही देर में एसएम कॉलेज आ जाता है और वो बाहर उतरती है तो एक हॉट सी ड्रेस में हाई हील्स में कहर लगती है और वो उतरकर रिक्शे वाले को पैसे देते हुए बोलती है, कितना हुआ? वैसे तो 40 रुपए हुए पर आपने जो मेरा रिक्शा बाथरूम की तरह इस्तेमाल किया है उसके लिए 20 रुपए माफ। ये पकड़ो 40 और ज्यादा बकवास मत करो, रिक्शे वाले हो वही रहो। कोयल पैसे देकर कॉलेज में चली जाती है जिसके बाद ईशान बोलता है, यार आज लग रहा है रिक्शा लेकर गलत किया, इसकी जगह बाइक होती तो ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती, खैर शाम को यहीं खड़ा होऊंगा अभी कुछ कमा लेता हूँ। ईशान पूरा दिन रिक्शा चलाकर शाम को एसएम कॉलेज के बाहर खड़े होकर कोयल का इंतजार कर रहा होता है और उसके बिना किसी को भी अपने रिक्शे में नहीं बैठने देता। कुछ ही देर में कोयल आकर बोलती है, अमर कॉलोनी चलोगे? हाँ हाँ बैठिए। फिर से वही होता है, घर जाते वक्त कोयल रिक्शे में ही बुरखा पहनती है और उसको दोबारा ये करता देखकर ईशान बोलता है, वैसे क्या आपके घर में ये शॉर्ट ड्रेस अलाउड नहीं है क्या? तुमसे मतलब, रिक्शे वाले हो रिक्शा चलाओ। खड़ूस कहीं की। कुछ ही देर में अमर कॉलोनी के सामने ईशान रिक्शा रोकता है, तभी वहाँ स्टैंड पर कोयल की माँ आशा खड़ी होती है जो ईशान को जानती थी, इसीलिए वो कोयल को उसके रिक्शे से उतरता देखकर बोलती है, अरे बेटा कोयल आ गई, और तुम ईशान हो ना कमल जी के लड़के? हाँ आंटी आप जानती हैं पापा को। हाँ बेटा और ये रिक्शा तुम्हारा है क्या, पढ़ाई छोड़ दी तुमने? यार लड़की खड़ी है कुछ और बोलना पड़ेगा, सच नहीं बता सकता। वो आंटी पापा का काम थोड़ा डाउन चल रहा था इसीलिए उनकी मदद करने के लिए मैंने ये रिक्शा ले लिया,
ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए। सही है बेटा, कम से कम तुमने अपने पापा के बारे में सोचा तो सही। वैसे तुम कोयल को रोज कॉलेज छोड़ देना, बहुत घूमती है ये इधर उधर। तुम्हारे साथ जाएगी तो पता तो चलेगा कि कहाँ जाती है। क्या मम्मी आप भी, यार ये मम्मी को कहीं बुरखे वाली बात ना बता दे। जरूर आंटी, कल से आपके घर के बाहर ही आ जाया करूँगा। ठीक है कोयल जी, तैयार रहना। अगले दिन से अब रोज कोयल को ईशान के साथ आना जाना पड़ता था। ऐसे ही एक शाम जब वो अपने रिक्शे से कोयल को घर ला रहा था तो वो उसे बोलता है, अगर कोयल बुरा ना मानो तो अभी हम कॉफी पीने चले। कुछ ज्यादा ही बड़े ख्वाब नहीं देख रहे तुम, रिक्शा चलाते हो, रिक्शे वाले के हिसाब से बात करो। ठीक है, तुम्हारी मम्मी को बता देता हूँ कि तुम रिक्शे में कपड़े बदलती हो। अच्छा अच्छा, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे कैपेचिनो वाली कॉफी पसंद है। ईशान डरा कर ही सही आज अपनी पहली कॉफी डेट पर जाता है, जहाँ वो कोयल को कॉफी पिलाता है और उससे ढेर सारी बातें करता है। इसी बीच कोयल भी ईशान को समझती है कि वो मजबूरी में रिक्शे वाला बना है। दोनों बहुत सारी बातों के बाद घर जाते हैं और आज इतने दिनों में पहली बार कोयल ईशान से अच्छे से बात करती है। अब डेली दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और ईशान उससे रिक्शे के पैसे भी नहीं लेता था। एक सुबह ईशान कोयल को लेकर कॉलेज जा रहा होता है, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली सरला आंटी उसका रिक्शा रुकवाते हुए उससे बोलती है, अरे ईशान बेटा जरा मुझे वो लड़कियों के कॉलेज तक छोड़ दे। अरे आंटी रिक्शे में जगह नहीं है, बैठी है पहले ही सवारी। अरे बेटा ये पतली सी लड़की है, बेटा थोड़ा खिसक जा, बैठने दे, इस समय कहाँ स्टैंड तक जाऊंगी। क्या आंटी लड़की को दबाओगी क्या? अरे तुम चलो, कुछ नहीं हुआ उसको। कोयल को ज्यादा परेशानी ना हो इसीलिए ईशान तेजी से रिक्शा चलाकर कॉलेज आता है और दोनों को उतार देता है। कोयल उतरकर ईशान को फ्लाइंग किस देकर बाय बोलकर चल देती है। तभी सरला भी ऐसे ही बिना पैसे दिए जाने लगती है। तभी ईशान उसे रोकते हुए बोलता है, ओ सरला आंटी 50 रुपए हो गए हैं, दे दो, कहाँ जा रही हो? उस लड़की ने तो तुझे पैसे नहीं दिए, वो तो तुझे हवा वाला चुम्मा देकर चली गई। मेरे से भी ले ले बेटा, जल्दी जल्दी में बटुआ भूल गई। ओ आंटी अपनी उम्र देखो, तुम्हारे तो दांतों में भी खैनी अटकी हुई है, चुपचाप पैसा दे दो। अरे तो खैनी निकाल के दे देती हूँ बेटा, देख आज सच्ची यही वाला पैसा ले ले, बटुआ है नहीं मेरे पास, चाहे तो 3-4 दे देती हूँ, एक्स्ट्रा समझ के रख ले। क्या यार आंटी, जाओ यार अगली बार से बटुआ लेकर निकलना। बेचारे ईशान को अपने पैसे छोड़ने पड़ते हैं। कुछ दिनों के बाद ईशान कोयल को प्रपोज करने के लिए अपने रिक्शे को अच्छे से सजाकर कॉलेज के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी कोयल को आते देखकर वो बोलता है, मेरे रिक्शे की पहली ब्रेक हो तुम, जिस पे कोई बैठ न सके ऐसी सीट हो तुम, तुम्हारे बिना मैं ऑन ड्यूटी नहीं आता, तुम्हारे बिना मेरे रिक्शे का गुजारा नहीं, इसीलिए क्या तुम मेरे रिक्शे की परमानेंट सवारी बनोगी? कोयल ये सब सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब तक उसके लिए ऐसा किसी ने नहीं किया था। लेकिन वो अपने दिल की बात बोलती उससे पहले ही वहाँ उसकी माँ आशा आ जाती है, जो ये सब देखकर बोलती है, कोयल ये क्या है, तुझे इस रिक्शे में इसलिए भेजती थी ताकि तू एक रिक्शे वाले से प्यार कर ले। अरे पूरा दिन रिक्शा चलाने के बाद भी ये तेरे शौक को पूरे नहीं कर सकता, और तो और ये 4 बार फेल हुआ है, कल ही इसके पापा ने मुझे सच बताया, एक नंबर का झूठा है ये, चल तू यहाँ से। आशा कोयल को लेकर जा ही रही होती है और ये सब देखकर ईशान की पड़ोस वाली सरला आंटी वहाँ से गुजरते हुए बोलती है, बेटा हवा वाले चुम्मे के बदले पैसा ले लेता तो शायद रिक्शे की जगह बाइक पर आकर प्रपोज करता। बेचारा ईशान उदास हो जाता है। तभी कोयल भागते हुए उसके पास आती है, बोलती है, तुम चाहे रिक्शे वाले हो, सब्जी वाले हो या कबाड़े वाले, मुझे अब तुमसे प्यार है और तुम्हारे साथ ही जिंदगी बितानी है। ये देखकर ईशान की खुशी का ठिकाना नहीं होता, बोलता है, तुम देखना अब इस रिक्शे की बदौलत ही मैं तुमको दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुम्हारी माँ के साथ सबको ये दिखा दूंगा कि भले ही रिक्शा चलाना शुरू मजबूरी में किया था, पर अब अपने प्यार के लिए इसको दिन रात चलाऊंगा और मेहनत करके उसको खुश रखूंगा। कहते हैं ना, प्यार रंग रूप हैसियत देखकर नहीं होता, और फाइनली हमारा रिक्शे वाला दुल्हनिया ले ही जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।